नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे TM4 में। फ्रेंड्स, यदि आप RRC साउथ ईस्टर्न रेलवे यानी कि रांची बोर्ड के अंतर्गत आते हैं और आप नए ज्वाइनिंग कैंडिडेट हैं और नए ज्वाइनिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो यह आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक वीडियो को करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। किन किन कागजों की ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड्स, इसमें सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, पहले आपको जो है कि ये स्टाम्प पेपर पर जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से सिग्नेचर करवाने के लिए बोला गया है, ये आपको बहुत ही ज़रूरी है लेके जाना फ्रेंड्स। यदि आप वहाँ पर नहीं लेके जाते हैं तो आपको वहाँ से कुछ दिन के लिए टाइम दिया जाएगा और फिर से बनवा के लाने के बाद ही आपका ज्वाइनिंग होगा। तो पहले आप ये बनवा लेंगे स्टाम्प पेपर पर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से, उसके बाद फिर करेक्टर सर्टिफिकेट जो है फ्रेंड्स, ये करेक्टर सर्टिफिकेट जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से कराने के लिए बोला गया था, इसमें आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से सिग्नेचर करवा लेंगे और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप सिग्नेचर करवा सकते हैं अपने स्कूल या कॉलेज से और यहाँ पर आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जैसे DM और STM से सिग्नेचर करा के ही जाना पड़ेगा फ्रेंड्स। और करेक्टर एक मैंडेट सर्टिफिकेट जो दिया गया है, वो मैंडेट सर्टिफिकेट को लेके जाना है फ्रेंड्स। मैंडेट सर्टिफिकेट में आप अपना जो भी डिटेल है उसे फुलफिल कर लेंगे और यहाँ पर आपको मोहर ज़रूर करा के जाना है फ्रेंड्स। मोहर और सिग्नेचर बैंक का होना चाहिए, तभी आपका यह मान्य होगा मैंडेट फॉर्म, नहीं तो यह मैंडेट फॉर्म मान नहीं होगा। मैंडेट फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। और करेक्टर सर्टिफिकेट, फिर से जो करेक्टर सर्टिफिकेट और एक दिया गया है फ्रेंड्स, ये आपको यहाँ पर दो प्रकार का सिग्नेचर खोजा गया है, तो दो में आप किसी भी से सिग्नेचर करवा सकते हैं। यहाँ आप किसी भी गजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर करवा सकते हैं, या तो BDO से या फिर किसी भी डॉक्टर से करवा सकते हैं, या वह अनुमंडल का डॉक्टर हो या फिर वह प्रखंड का डॉक्टर हो, सरकारी और डॉक्टर हो, तो आप करवा सकते हैं फ्रेंड्स। यहां पर दो करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है, एक यहां BDO का साइन होना चाहिए, एक यहाँ, या तो BDO के अलावा एक ही प्रकार के व्यक्ति से सिग्नेचर नहीं कराना है, अलग अलग प्रकार के व्यक्ति से सिग्नेचर करवाना है। ये जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है फ्रेंड्स, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में आप किसी भी व्यक्ति से करवा सकते हैं। यहाँ दिया गया है सभी का नाम दिया गया है, आप इन में से किसी भी एक व्यक्ति से सिग्नेचर करवा के आइडेंटिटी सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं। और यह दो कॉपी मांगे गया है फ्रेंड्स, यहाँ सांसद और विधायक से करा सकते हैं। देखिए, मैंने सांसद से करवा के लेके गया था। यह दो कॉपी लेके जाना है फ्रेंड्स, दो कॉपी आप को वहाँ पर मांगा जाएगा। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट का दो कॉपी ही जरूरी है फ्रेंड्स, यदि आप दो कॉपी नहीं लेके जाते हैं तो आपको वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और एक बैंक पासबुक का फोटोकॉपी लेके आपको जाना ही पड़ेगा। बैंक पासबुक के अलावा फिर आपको चेक बुक का दो पेज लेके जाना है, चेक बुक का दो पेज आपको लेके जाना है, चेक बुक का दो पेज जरूर मांगेगा फ्रेंड्स। उसके बाद चार फोटो लगेगा, चार फोटो के पाछे फोटो में सिग्नेचर करना ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स, सिग्नेचर के अलावा भी आप लेके जा सकते हैं। उसके बाद आप पैन कार्ड लेके जा सकते हैं, पैन कार्ड वहाँ पर खोजा जाएगा, पैन कार्ड का मिलान किया जाएगा। पैन कार्ड के अलावा फिर आप आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, पैन कार्ड तो चाहिए ही चाहिए और आपका आधार कार्ड भी चाहिए फ्रेंड्स, आधार कार्ड का भी फिर मिलान होगा।
फिर आपको जो ऑफ़र लेटर दिया गया है ऑफ़र लेटर लेके जाना है फ्रेंड्स। ऑफ़र लेटर में वहाँ पर एक अलग से ऑफ़र लेटर रहता है, फिर भी आप एक ऑफ़र लेटर लेके जाएंगे। ऑफ़र लेटर में पाछे के तरफ यहाँ पर आपका हिंदी इंग्लिश में नाम होगा और यहाँ पर सिग्नेचर होगा, वो कर लीजिएगा। और फिर नीचे में यहाँ अलग तीसरे पेज में कुछ नहीं है, फिर चौथे पेज में यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर लेना है। उसके बाद इतना कागज़ लेने के बाद फ्रेंड्स आप जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसको फुलफिल कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आप वहाँ लेके जाइएगा फ्रेंड्स। इतना कागज़ और हम अटेस्टेशन फॉर्म को भरने के लिए बता देंगे अगले वीडियो में। मैं चूँकि ज्वाइन कर चुका हूँ फ्रेंड्स ट्रैक मेंटेनर पर मैं 11 तारीख को ही ज्वाइन कर लिया था, इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया।